अज आसमान ते बादल ही बादल आ, और बिल्कुल सूरज जड़ा छुपया होया सी, और ये मंजर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा सी। इंजॉय करो तुसी भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का। मैं उम्मीद कर रहा कि तुम सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर बिल्कुल खुशपाश होंगे, सेफ होंगे। अज का मौसम बहुत प्यारा वा, सूरज के अगे आए हुए बदल और जड़ा कि बड़ा प्यारा लग रहा है। बिल्कुल भी सर्दी नहीं हैगी, लेकिन मौसम बहुत प्यारा वा। तो अज की वीडियो जी ना बड़ी इंट्रस्टिंग होगी, क्योंकि अज मैं थोड़े नाल शेयर करूँगी एक वेट लॉस, उन्हें तुसी सैलड भी कह सकते हैं और उन्हें तुसी चाट भी कह सकते हैं, क्योंकि जड़े मेरे वर्गे जरा वेट कॉन्शियस लोग आ ओ ए जड़ी आ ना रेसिपी नू जरूर 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 फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल आ, ये सब्जियां भी इनकलूड आ और ये फ्रूट भी इनकलूड आ। कोई ये जड़े हाँ ये जड़े शुगर के जड़े मरीज आ ना वो भी इस चाट नू जड़े आ ना वो खा सकते हैं, अपनी डाइट के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद जड़ी है ना ये चाट आ। और जो मैं डाइटिंग होंगी हाँ इस चाट को मैं जरूर जड़ा है ना बना के खाती हूँ। अज भी मैं अपने वास्ते बना लगी सी, फिर मैं सोचा कि चलो थोड़े नाल शेयर कर दाँ, थोड़ा भी कुछ फायदा हो जाए। साढ़े ना घर के सामने एक घर बन रहा वा, बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई आ, ट्रिपल स्टोरी। तो मैं जो देखती हाँ ना तो मेरा सिर घूमन लग पैंदा वा, लेकिन काम बहुत सफाई ना कर रहा। मैं अज नई बेडशीट जी सी ना वो बिछाई सी, तो मैं थोड़े नाल शेयर कर ला, बड़ी प्यारी लगी बिछाई हुई ना, कलर भी बहुत अच्छा सीगा। और सर्दियों के ना जरा मोटिया मोटिया बेडशीटा बिछाइया हुई ना, सुकून रहा वा। और ये ज़्यादा कट्ठी भी नहीं होंगी, बड़ी प्यारी। और साइडा तो ना इस तरह धागे का काम होया, काम वगैरह करके फिर मैं अपना उ नाश्ता एक ब्राउन ब्रैड का स्लाइस और एक अंडा थोड़ा जहा नाल शायद, और बिना चीनी तो चाय का एक कप अपने वास्ते बना लिया सीगा। तो हुण मैं सुकून ना बैठ के नाश्ता करन लगी सी, सब्जी बना लगी सी। तो धनिया बड़ा प्यारा सीगा, अज बहुत ज़्यादा लेजी लेजी महसूस हो रहा सीगा। तो मैं ना फिर कमरे के बच्च ही रख ली सब्जी, मैं क्या चल कमरे के बच्च ही बैठ के सब्जी बनाउनी आ। तो कट के तो मैं प्याज देखे तो प्याज है नहीं सी, फिर मैं अम्मी ने फोन किया, मैं क्या अम्मी आते हुए प्याज लैके आयो। सब्जी मैं धो के रख लैनी हाँ, तो अज घर कोई भी नहीं हैगा सीगा। तो मैं चल सालन जड़ा ना शाम को पकाऊंगी, तो प्याज भी नहीं है, तो चलो अम्मी ले आऊगी। तो हुण मैं बनाउन लगी सी तुहाडे वास्ते हैल्दी चाट, जिहड़ी कि डाइट दे विच तुसी इस्तेमाल कर सकते हैं। उहदे वास्ते मैं ले लिया हरा सेब एक कट लिया, एक अमरूद कट लिया, एक खीरा और हाफ गाजर, मैं ले लिया शहद सिरका और काली मिर्च थोड़ी जी और थोड़ा जहा नमक। इन सारिया चीज़ों नू अच्छी तरह मिक्स कर दी हाँ। बिल्कुल एक टीस्पून तुसी सिरका पाना वा और अद्धी चमची जिहड़ी ना वह शहद की पानी आ, क्योंकि ये डाइट वास्ते आ, इस करके ज़्यादा चीज़ा नहीं पानिया है। और सिरके की जगह पर तुसी नींबू भी पा सकते हैं। चाट तैयार हो गई है और मैं दोपहर में आज लंच के यही खाऊंगी, और कुछ भी नहीं। तो लैके आई सी किचन वास्ते चॉपर, इलैक्ट्रिकल चॉपर फिलिप्स का, तो मैं क्या चलो
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਲੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਚਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਫਤੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਪਰ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਲਿਆ ਨਾ ਚੋਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਊਂਗੀ ਔਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲਊਂਗੀ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਠਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਲਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਦ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਊਂਗੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।